नमस्कार, घंटी बचाओ में आपका स्वागत है। आज मैं अभिसार शर्मा, आज आपको किसी की नहीं किसी के समर्थन में घंटी बजानी है। जी हां, जान देकर संविधान को प्राण देने वालों के समर्थन में घंटी बजानी है। आज गणतंत्र दिवस है। सुबह से अब तक आपने अपने दर्जनों दोस्तों, परिवार वालों, शुभ चिंतकों को हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी होंगी, लेकिन जिनके प्राणों की बाजी लगाने से हमारा गणतंत्र जीवित है, सुरक्षित है, उनको आप घर बैठे घंटी बजाकर शुभकामना दीजिए। क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मौत से मुठभेड़ करते देश का 24 किलोमीटर लंबा गौरव पथ, जहां रोज मौत से रेस लगाकर देश के संविधान को आम जनता के लिए स्थापित करते हैं हमारे वीर जवान। जहां एक कदम उठाकर दूसरा कदम रखने से पहले मौत आ सकती है, जहां पता नहीं होता किस कदम के नीचे मौत का धमाका छिपा है, जहां एक सेकंड की चूक पल भर में शहीद कर देती है, जहां विकास नेताओं के भाषण से नहीं जवानों की जांबाजी से आ रहा है, जहां विकास घोषणा पत्रों से नहीं जवानों के साहस से पहुंच रहा है, जहां एक कदम गलत पड़ा तो हजारों लोग विकास से अछूते रह जाएंगे, जहां 10-10 कदम के फासले पर खड़े जवानों के दम से विकास पथ निकल रहा है, मौत के मुंह से विकास की सड़क निकालने वाले राष्ट्र रक्षकों की कहानी है ये। आज एबीपी न्यूज पर पहली बार देखिए मौत से मुठभेड़ करता देश का 24 किलोमीटर लंबा गौरव पथ। जगह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का कोंडासावली, जहां इस वक्त दंतेवाड़ा के अरनपुर को सुकमा के जगरगुंडा से जोड़ने वाली 24 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। बड़े बड़े ट्रक, जेसीबी मशीन यहां पर सड़क निर्माण में लगे हैं, लेकिन सड़क बनाने के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवानों को हर कदम पर यहां सुरक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि यह सड़क निर्माण देश में नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले सुकमा के जंगलों में हो रहा है, जहां सड़क बनाने के दौरान नक्सलियों के हमले में, जहां सड़क बनाने के दौरान नक्सलियों की बिछाई लैंडमाइन से 4 साल के भीतर देश के 98 जवान शहीद हो चुके हैं, जांच पहली बार किसी न्यूज चैनल की टीम पहुंची है, आपको दिखाने जा रही है मौत के साथ दौड़ लगाकर बने 24 किलोमीटर लंबे देश के गौरव की कहानी। आज हम आपको जो कहानी दिखाने वाले हैं, आज से पहले आपने किसी भी टेलीविजन चैनल में नहीं देखा होगा। सड़क बनाने के लिए कुछ जवान जो हैं वो सड़क के अगल बगल और जंगल में होते हैं। इस इलाके की सड़क बनाने के लिए जवानों ने अपनी शहादत दी है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से कई बार नक्सली जो यहां सीआरपीएफ का कैंप लगा है उसकी रेकी करते हैं। इस
इसीलिए आज आपको जान देकर संविधान को प्राण देने वालों के समर्थन में 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजानी है। तो सड़क बन जाने से आखिर क्यों नक्सली डरते हैं कि उन्होंने 4 साल में देश के 98 जवानों को एक राज्य में शहीद कर दिया। एक सड़क बनाने के लिए आखिर क्यों देश के सपूतों को जान की बाजी लगानी पड़ती है? कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जिनका जवाब देगी छत्तीसगढ़ के सुकमा से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी की यह रिपोर्ट। जी हां, सुकमा के इसी इलाके से नक्सली आंध्र उड़ीसा महाराष्ट्र तक आवाजाही करते हैं। सुकमा के इसी इलाके के घने जंगलों में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। 2015 में देश के 9 राज्यों के 75 जिलों में नक्सलियों का गढ़ था, जो 2016 में घटकर देश के सिर्फ 68 जिलों तक पहुंच गया। सीआरपीएफ के 2017 में देश के 58 जिलों में ही नक्सलियों का प्रभाव रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैले सुकमा के जंगल, जो देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ है। वहां पर नक्सलियों की मांग में घुसकर उन्हें विकास की गोली से मारने का त्रिकोण रचा जा रहा है, जिसके तहत दोरनापाल से जगरगुंडा तक 56 किलोमीटर लंबी तो दूसरी तरफ इंजरम से भेजी तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क और तीसरी दंतेवाड़ा के अरनपुर से सुकमा के जगरगुंडा तक 24 किलोमीटर लंबी सड़क सीआरपीएफ के जवानों के सुरक्षा घेरे में बनाई जा रही है। दंतेवाड़ा को सुकमा के जगरगुंडा से जोड़ने वाली 24 किलोमीटर सड़क जिस इलाके में बन रही है, वहां सीआरपीएफ के 1,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि अब तक इस इलाके में सिर्फ नक्सली आतंक की तूती ही बोलती थी। नहीं, हमसे पहले यहाँ कोई नहीं आया था। ये पहले नक्सलियों का जाने का मार्ग हुआ करता था, उनका ये जो है पासिंग रूट है, वो जो है नहाड़ी ककाड़ी से होते हुए और इधर पीड़िया की तरफ निकलते हैं, इसी रूट से निकला करते थे। और ये पापा राव का एरिया है, जगरगुंडा एरिया कमेटी का एरिया है। ये इलाका इतना खतरनाक है कि सुकमा में नक्सलियों ने 2010 से 2017 के बीच हमला करके 123 सुरक्षा बलों को शहीद किया है। इस इलाके में नक्सली इसलिए मजबूत हालत में हैं क्योंकि सुकमा का करीब 75% हिस्सा जंगल है, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं। लेकिन अब इन्हीं जंगलों के बीच से विकास की 24 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाने लगी तो नक्सलियों ने लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंग बिछाकर काम रोकना शुरू कर दिया। अगर सुरक्षा नहीं मिले तो काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए जब आपको ये चलाना होता है तो किससे आगे तक रहती है, तो ये चलता है? रहती है 500-600 मीटर। इसीलिए 3 स्तर पर सुरक्षा का घेरा बना सड़क का निर्माण यहां किया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग को खोजना, सड़क निर्माण के दौरान चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देना और तीसरा एंटी लैंडमाइन व्हीकल के साथ नक्सलियों के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना। नक्सलियों की मांग में सुबह जैसे ही सड़क का निर्माण शुरू होता है, सबसे पहले सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी इलाके में लैंडमाइन डिटेक्टर लेकर निकल पड़ती है, ये पता करने के लिए कि कहीं नक्सलियों ने कोई बारूदी सुरंग तो नहीं बिछा रखी। एक जवान के पीछे 10-10 कदम की दूरी पर दूसरे जवान चलते हैं। एक दूरी तक सर्च ऑपरेशन के बाद यहां पर सड़क बनाने का काम शुरू होता है। ये जो मशीन चल रही है, अगर आप यहां ना हो
तो ये मशीन चलेगी क्या? नहीं, ये मशीन बिल्कुल नहीं चलेगी, नक्सली इसे जला जाएंगे। यहाँ अनावश्यक इन मशीनों को रोकने के लिए फायरिंग वगैरह करेंगे, नक्सली इस रोड के कार्य को बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक बार सुकमा के इन खतरनाक जंगलों में नक्सलियों का खौफ खत्म करने के लिए सड़क बनाने में मजदूर जुट जाते हैं तो सीआरपीएफ के जवान विकास के पथ को नक्सलियों से बचाने के लिए लगातार पोजीशन लेकर प्राणों की बाजी लगाते हुए सुरक्षा देते हैं। सड़क बनाने के लिए कुछ जवान जो हैं वो सड़क के अगल बगल और जंगल में होते हैं। जो ये आ रहे हैं, ये देखिए जवान, ये सड़क के अगल बगल और जंगल से लौट कर आ रहे हैं। और एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल है जो आप देखिए कि ये इस तरह से गाड़ी खड़ी होती है, इसके अंदर भी जवान बैठे होते हैं और ऊपर से भी दूर दूर तक दूरबीन के सहारे से देखते हैं और फिर जो है वो दूर तक देखते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। हर समय इस तरह से चौकन्ने रहते हैं ये जवान। ये वो इलाका है जहां इन जवानों को अपने घर वालों से बात करने के लिए एक एक हफ्ते इंतजार करना होता है क्योंकि यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। ये वो इलाका है जहां जवानों को जानलेवा मलेरिया होने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाने में वक्त लग जाता है क्योंकि यहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। लेकिन अपनी अपने परिवार की चिंता छोड़ ये जवान सिर्फ संविधान से जनता को मिले अधिकारों को दिलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और ये खतरा कितना बड़ा होता है सुनिए नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी से। सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं, सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं क्योंकि पिछले दो सालों में मैंने 2016 और 17 को देखते हैं तो हर जिलों में अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाई जाने का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ और जैसे जैसे सड़कों का काम बढ़ने लगा नक्सलियों ने सुरंगें बिछाना या एम्बुश करना या किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुकमा में ही दो साल के भीतर सड़क बनाने के दौरान सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हुए हैं जबकि छत्तीसगढ़ में विकास की सड़क की सुरक्षा करते हुए 2014 में 31, 2015 में 10, 2016 में 15 और 2017 में 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो देश का संविधान देश के हर नागरिक को सम्मान से जीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अधिकार देता है। राज्यों का कर्तव्य होता है कि वो ये अधिकार जनता तक पहुंचाए लेकिन संविधान से मिले जनता के उन्हीं अधिकारों को जनता तक पहुंचाने से रोकते हैं ये नक्सली और इन नक्सलियों की कमर तोड़ रहे हैं देश के जवान विकास पथ से। इसीलिए हम आज कह रहे हैं जान देकर संविधान को प्राण देने वालों के समर्थन में घंटी बजाओ। घंटी बजाओ शो की 13 जून 2017 की यह रिपोर्ट याद करिए जब संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी नक्सलवाद के भूकंप वाले एपिसेंटर सुकमा के बोरकापाल में पहुंचे थे। गांव के भीतर किसी भी अनजान को देखकर यहां गांव वालों की आंखों में अजीब सा डर नजर आने लगा था। इसी गांव में थोड़ी ही दूरी पर हमें एक बाग में बच्चे और बड़े बैठे नजर आए। ये बच्चे महुए का फल जिसे यहां डोरी कहा जाता है उसे तोड़कर अंदर का हिस्सा बाहर निकाल रहे थे। इसी के जरिए गांव वाले तेल निकालते हैं जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। यहीं पर हमें एक मासूम बच्चा नजर आता है, नाम है नूपो देवा। इस बच्चे का चेहरा इसलिए छिपाना पड़ा क्योंकि चेहरे पर इतने घाव हैं जो आपको डरा देंगे। आप कहेंगे अगर बच्चे के चेहरे पर इतने जख्म हैं तो इलाज क्यों नहीं होता, तो सुनिए क्या पता चला इस बच्चे की माँ से। इसकी दवाई हो रही है नहीं हो रही है? क्या बोल रही है ये? नहीं आता बोलते। दवाई यहाँ नहीं आती है तो ये कैसे ठीक होगा? इनसे ये पूछो कि अगर दवाई नहीं देंगे तो ये कैसे ठीक होगा, पूछो। दवाई की बात है, क्या बोल रही है?
माथा बहुत है। मतलब दवाई नहीं है तो मरेगा? जी। नक्सलियों ने सुकमा के गांवों की जनता को संविधान से मिले अधिकारों और विकास की रोशनी से इतना दूर कर दिया है कि माँ बच्चे का इलाज तक नहीं करा पाती। सुकमा की आबादी 2,50,159 है, जहाँ आधे से ज्यादा बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। 70% आबादी बेहद गरीबी में जीती है, जबकि सुकमा में ही कभी एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार लगता रहा है। सुकमा में नक्सलियों के खौफ से विकास से अछूते इन्हीं गांव वालों तक संविधान से मिले अधिकारों को पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की बाजी लगाकर सड़क निर्माण में सुरक्षा दे रहे हैं, और इससे कितना विकास हो सकता है आप ये समझिए सीआरपीएफ के सेकेंड इन कमांड शैलेंद्र यादव और जिलाधिकारी सौरभ कुमार से। ये सड़क दंतेवाड़ा को जगरगुंडा से जोड़ेगी, जिससे जो है जगरगुंडा जो है जो एशिया का इमली में बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था वो जो है रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी और एरिया का बहुत डेवलपमेंट होगा। 40 किलोमीटर का एक पैच है जहाँ पे कोई विकास नहीं जा पा रहा था, जहाँ पे किसी भी तरह की हम कोई भी सुविधा नहीं दे पा रहे थे। ये सड़क जाने से न सिर्फ विकास को आगे गति मिलेगी, हम अस्पताल स्कूल ले जा पाएंगे, बल्कि जो नक्सली भय है जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग तो भय की वजह से ही नहीं जाते हैं, टीचर नहीं जाते हैं, स्कूल वाले डॉक्टर नहीं जाते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। नेता तो वादा करते हैं, अफसर वादे के लिए फाइलें बनाते हैं, लेकिन जनता को संविधान से मिले अधिकार दिलाने के लिए नक्सलियों के गढ़ में विकास की सड़क देश के जवान बनवा रहे हैं। 24 किलोमीटर लंबे विकास पथ के लिए 14 किलोमीटर का काम हो चुका है। अब सुकमा में सबसे कठिन नक्सलियों के गढ़ में 10 किलोमीटर की सड़क का काम बचा है। अब तक 14 किलोमीटर की सड़क बनाने के दौरान नक्सलियों की बिछाई 100 बारूदी सुरंग मिली है, जिनमें से एक बारूदी सुरंग को नष्ट करने के दौरान हवलदार कमल सिंह शहीद हुए। इस इलाके की सड़क बनाने के लिए जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपने खून से सींच कर इस सड़क को बना रहे हैं। शहीद कमल स्मारक इस कैंप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 231वीं बटालियन के बम निरोधक दस्ते के इंचार्ज कमल सिंह थे और सड़क सुरक्षा में लगे थे। वो बम निरोधक दस्ते के इंचार्ज थे। 100 से ज़्यादा आईडी इस सड़क को बनाने में मिली है, और इसी दौरान जब वो सड़क से बम निकाल रहे थे तो विस्फोट हो गया, जिसमें कमल सिंह की शहादत हो गई। जनता के विकास के लिए जवान शहादत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 किलोमीटर लंबी सड़क के विकास से करीब 25 गांवों की 10,000 से ज्यादा आबादी को स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, बिजली, पानी और शौचालय मिलेगा। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि नक्सलवाद को विकास के जरिए समयबद्ध तरीके से खत्म करने की रणनीति देश में बननी चाहिए, और जान देकर संविधान को प्राण देने वाले जवानों के समर्थन में आप 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल, घंटी बजाओ। कल रात 10 बजे घंटी बजाओ में हमने दिखाया था कैसे पद्मावत के नाम पर हुंडों के आगे 5 राज्यों की मुख्यमंत्रियों ने घुटने टेक दिए थे। हमारी रिपोर्ट देख घंटी बजाने वाले दर्शकों की आइए राय सुनते हैं। ऐसी सरकारों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जो कंट्रोल ना कर पाए और सरकार हार चुकी है, गुंडों के लिए कुछ नहीं कर सकती है, फ्लॉप सरकार है। आखिर यह कैसी सरकार है जो वोटों की राजनीति के लिए गुंडों को भी छूट दे रही है। सेना द्वारा किए जा रहे इस जनधन हानि का मैं सख्त विरोध करती हूँ। जिन्होंने भी इस तरह का कार्य किया उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं भी खुद राजपूत हूँ और मैंने ये खुद फिल्म देखी है, तो मुझे इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे कि राजपूत को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, बल्कि मैं तो इस पिक्चर से फख्र करता हूँ कि मैं एक राजपूत हूँ और किस तरह से राजपूतों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।